अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे इमली और आलू बुखारे की शरबत की रेसिपी। इसके लिए हमने लिए हैं तकरीबन 15 दाने आलू बुखारे के, जो कि 6 घंटे पहले भगो के रखे थे हमने। साथ हमने रखी है इमली, वो भी भगो के रखी। फिर हमने ली है शक्कर तकरीबन 1/2 कप। साथ 2 लेमन लिए, इनका जूस हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके साथ हमने 1/2 टीस्पून लिया है नमक। वहाँ चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस तरीके से भी बस आपने गुठलियाँ निकाल लेनी है। व्यूअर्स, आपको गुठलियाँ निकाल के फिर आपसे मिलते हैं। इमली और आलू बुखारे दोनों गुठलियाँ निकाल लेनी है आप। ये व्यूअर्स हमने ले लिया है 1/2 किलो पानी। अभी हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर और इसको आपने धीमी आंच पर रख के अब इसमें ऐड करेंगे व्यूअर्स 3 टेबलस्पून चीनी। फिर आपने इसको अच्छी तरह दरमियानी आंच पे पका लेना। शक्कर और चीनी का ये फ़ायदा होगा कि इससे जो है ना शक्कर ठंडी होती है और चीनी से थोड़ा एज अ प्रिजर्वेटिव के तौर पे ये काम करती है, इसको ख़राब नहीं होने देगी, आप इसको स्टोर करके रख भी सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे व्यूअर्स 1/2 टीस्पून नमक। अब व्यूअर्स इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून नींबू का रस। ये गुठलियाँ वगैरह डाल दी हैं, बाद में हम छान देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, थोड़ा सा कलर साफ़ कर दिया नींबू ने। अब व्यूअर्स हम इसमें ऐड करेंगे आलू बुखारे गुठलियों समेत और साथ ही इमली। और इसको 5 मिनट तक दरमियानी आंच पे आपने इसको उबाल आने तक पकाना है। चलिए व्यूअर्स, मिलते हैं एंड में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये देखें व्यूअर्स, अभी तकरीबन ये उबल चुका है। 2 मिनट इसको और मज़ीद हम उबाल ही देंगे। ये देखें व्यूअर्स, अभी इमली वगैरह के बीजों से सारा मवाद उनके अलग हो गया। अब हम इसको जो है वो उतारेंगे और छानेंगे। इस तरह व्यूअर्स इसको आपने छान लेना। को मैंने अभी डाला है ग्राइंडर में, आज की शरबत इससे बनेगी। इसमें मैंने ऐड की है 2 चम्मच अल्कोहल की भी, इससे जो है वो जो पानी की कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन वगैरह होती है वो भी नहीं होगी और जिगर की गर्मी वगैरह भी और मैदा भी ठीक रहता है। ये व्यूअर्स हम ऐड कर रहे हैं बर्फ क्यूब। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ये और उसके बाद ऐड करेंगे पानी और ये व्यूअर्स इमली बुखारे का बेहतरीन शरबत और इसको होल का तैयार हो चुका है, जो कि एक टॉनिक का काम भी करेगा।